The Honorable Leader of the House. माननीय सभापति जी, आज 53 सदस्य जो आने वाले सप्ताहों में इस सदन से रिटायर होंगे, उनका सदन में अंतिम दिन है। उनमें से बहुत ऐसे हैं और कई वरिष्ठ लोग हैं, 6 मंत्री भी हैं, और स्वाभाविक है जो प्रमुख लोग होते हैं, जैसे शरद जी ने कहा, वो किसी ना किसी सदन में वापस आ ही जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन में रिटायरमेंट की प्रक्रिया तो नहीं होती, केवल सदस्यता से रिटायर होते हैं। और इसलिए जो नहीं आ पाएंगे, वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहेंगे और किसी न किसी प्रकार से पूरा योगदान देते रहेंगे। इस कार्यकाल में कुछ लोग 6 वर्ष के लिए रहे, कई बहुत अधिक वर्ष के लिए रहे। बहुत ऐसे हैं जो हम लोगों के पुराने साथी हैं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आज से जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक ही क्लास में पवन वर्मा और मैं साथ साथ बैठा करते थे, तो एक बहुत पुराना रिश्ता हम लोगों का है। त्यागी जी भी शायद 40-45 वर्षों से हम लोगों के मित्र हैं, आंदोलन में इकट्ठे रहे, और इनका कार्यकाल तो बहुत छोटा रहा लेकिन प्रभावी रहा। ये आए थे हमारे साथी बनकर, जा रहे हैं हमारे विरोधी बनके। अन्य साथियों में शरद जी का अनुभव, मेरा पहली बार मैंने शरद जी को देखा जब शरद जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के हटे थे, और इन दिनों पहली बार उस वक्त का विपक्ष इकट्ठा हो रहा था, और जबलपुर का उपचुनाव था, तो पहले जनता उम्मीदवार के रूप में शरद जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जीते, और जीतने के तुरंत बाद श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक मार्च था संसद में, तो शायद तुरंत 2 या 3 दिन बाद शरद जी दिल्ली आए, और उस वक्त बड़ा हीरो का स्वागत इनको मिला था, जो बाद में जनता पार्टी बनी और जिसकी सरकार बनी, तो उसके पहले उम्मीदवार आप थे। कई ऐसे मित्र जिनसे संसद के दौरान हम लोगों का परिचय हुआ, और जयराम का और मेरा प्रेम बहुत पुराना है। सदन में आने से पहले भी एक दूसरे पे मुस्कुराते रहना, और आज क्योंकि उनका अंतिम दिन है, मैं तो हमेशा उम्मीद रखूंगा कि वो दोबारा वापस आए और उनकी क्षमता का व्यक्ति आए। मुझे केवल अंतिम बार उनको करेक्ट करना है, वो सुनील गावस्कर ने कहा था, विजय मर्चेंट ने नहीं। सुनील गावस्कर, और शायद कॉन्टेक्स्ट ये था कि उन दिनों बड़ी बहस चल रही थी, जैसे पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके अंतिम दिनों में एक चर्चा चलती थी, आफ्टर नेहरू हु, कि पंडित जी कब जाएंगे, तो एस गावस्कर इज अबाउट टू रिटायर, तो एक बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी और अचानक सरप्राइज बाहर आके अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, तो लोगों ने कहा कि आज तो इतना अच्छा खेले, क्यों रिटायर किया। उन्होंने कहा, यू मस्ट रिटायर व्हेन पीपल से व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अभी बहुत लंबी बारी खेलनी है, आपका बहुत एवोल्यूशन हुआ। आई न्यू यू व्हेन यू वर एन इकोनॉमिक लिबरल एंड आई हैव सीन योर ट्रांसफॉर्मेशन टू एन इकोनॉमिक कंजर्वेटिव, एंड आई थिंक व्हाट एवर बी योर view point, the country does the country probably and his party certainly needs it, and I'm sure they will put his services to the best use. अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने काफी विषय उठाए, आपने अपने बोधन में भी विषय उठाया, मैं केवल 3-4 चीज कहना चाहूंगा जो हम सबका सीखने का अनुभव है। आनंद शर्मा जी ने ठीक कहा कि हम डिस्टर्बेंस भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं। मैं तो कई बार विनोद से हंसी में कहता था कि कांग्रेस के
कुछ सदस्यों का साथ मेरा फिजिकल नाता बहुत नज़दीकी का है, क्योंकि सेलम और उनके साथी मेरी सीट के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है, और इसलिए मैं सेलम साहब से मजाक करता था कि इज ही रिटायरिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द हाउस बिकॉज ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन द वेल इटसेल्फ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर, इट ऑलवेज हेल्प्स टू डिबेट बिकॉज वी कन्वर्ज। प्लीज नो, डोंट डिस्टर्ब द लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज सिट डाउन। कि अंत में केवल बहस के माध्यम से ही हल निकलते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इस सत्र में भी जब बाहर चर्चा होती रही कि डिस्टर्बेंस है, बजट सेशन के पहले भाग और दूसरे भाग में हम लोगों ने 24 कानून पारित किए हैं, और उनमें से कई कानून तो ऐसे हैं जो बहुत महत्व रखते हैं पूरे देश के लिए। क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो काम करते करते संघर्ष भी राजनीति में होता है, लेकिन देश का हित भी सामने आता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार संसद में आया था तो उस वक्त के हमारे नेता अटल जी आडवाणी जी थे, तो मैं पहले भी एक किस्सा सुना चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा, जब भी संसद में बोलो, कॉन्सेंट्रेट ऑन इश्यूज एंड नॉट ऑन पर्संस, और शायद उस प्रभाव में आप अपनी बात ज़्यादा कह पाओगे। हमसे कई बार गलती होती है, लेकिन मुझे आज भी उस सुझाव में बहुत गंभीरता और वजन लगता है। राज्यसभा का एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने भी कि कई बार राज्यसभा में जिस प्रकार के लोग आते हैं वो गंभीरता से सोचते हैं, और कई बार लोकसभा को भी मजबूर करते हैं कि पुनः एक बार विचार करें। और ये कहीं हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व में दो सदनों के बीच में आपस की बहस चलती है। ऑस्ट्रेलिया में जो डबल डिसोल्यूशन दोनों हाउसेस का हुआ है, जिसका उनका चुनाव है 2 जुलाई को, उसके पीछे दोनों हाउसेस की तकरार है कि एक कानून एक ने बनाया, दूसरे ने पारित करने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड में ये 1885 से बहस चल रही है, इटली में आज भी ये बहस चल रही है, और वो एक हल इंग्लैंड के पैटर्न पर ढूंढ रहे हैं कि दोनों का कंसिलिएशन कैसे हो। और मुझे लगता है कि राजनीति की ये मैच्योरिटी है कि वो अपने आप इसमें से एक हल ढूंढेगी। अंतिम विषय मुझे ये कहना है जो प्रोफेसर साहब ने उठाया, कि इस सदन की जो प्राइमेसी है और लोकसभा की जो प्राइमेसी है लॉ मेकिंग में, लॉ मेकिंग और बजट मेकिंग, ये दो ऐसे विषय हैं कोई तीसरा तय नहीं कर सकता, और इसकी गंभीरता समाज की हर संस्था को सोचनी पड़ेगी। और अगर लॉ मेकिंग और बजट मेकिंग का अधिकार यहां से निकल जाता है तो संसदीय लोकतंत्र और उसके साथ साथ पूरा लोकतंत्र अपने आप में कमजोर होता है। और मैं विश्वास रखता हूं कि जो मैच्योरिटी है हमारे यहां इंस्टीट्यूशंस की, कभी ना कभी इस तर्क को जो संविधान बनाने वालों ने के सामने था उसको मद्देनजर रख के आगे का रास्ता वो लोग तय करेंगे। जो आज सदन से सदस्यता से रिटायर हो रहे हैं उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनकी लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं, कि अपने राजनीतिक दलों की और देश की वो किसी न किसी कैपेसिटी में आगे सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरुण जेटली जी।